हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। आज हम जीके इम्पोर्टेंट है सीरीज में पार्ट टू डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट वन बता चुका हूँ और इसमें क्या है, जो मैं क्वेश्चन लेता हूँ वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चनों की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इन क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझें। मैं सभी क्वेश्चन को एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो उसको भी देख लें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का विभव। तो देखिए, रिश्तेदार रहते हैं, उनमें एक दूसरे में चाहत रहती है। क्या रहती है? चाहत से हो गया 74। कितना हो गया? 74। तो यहाँ पे 7.4, मतलब इसका रक्त का जो पीएच मान होता है ये 74 रहता है। और एक दूसरे, और इसमें क्या रहता है, आंसू का भी कितना रहता है यहाँ पे 7.4 रहता है। मतलब एक दूसरे को चाहने वाले ही आंसू बहाते हैं, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, 2.4 किसका रहता है? 2.4 रहता है नींबू का। आपने देखा होगा कि जो टोटका वाले रहते हैं उसमें दो नींबू और चार मिर्ची इस प्रकार अपने गेट पर लटका देते हैं, दुकान के सामने लटका देते हैं। तो दो नींबू और चार मिर्ची, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? 2.4 हो जाता है। अब देखिए, 6.6 किसका होता है? ये दूध का होता है। किसका होता है? दूध का होता है। देखिए, दूध पीकर, देखिए जो अपना यहाँ पे युवराज सिंह थे क्रिकेटर, वो क्या करते थे कि दूध पीकर 6 पर 6 मार देते थे। वो 6.6 पर छक्का पे छक्का मार देते थे। तो इस प्रकार से ये दूध का हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे सेवन किसका होता है? सेवन होता है अपना, देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं आपके लिए, NaCl, ठीक है। नमक जो रहता है तो इसको अगर घुल गया नमक तो ये अपने आयन में टूट जाता है। तो यहाँ पे Na अलग और Cl अलग, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये उदासीन हो जाता है। तो पीएच मान क्या हो जाता है? 7 किसका होता है, ठीक है। यहाँ पर NaCl का होता है। जल का भी यहाँ पर पीएच मान कितना? 7 होता है। देखिए, पीएच स्केल रहती है जिसमें 0 से लेकर 14 तक अंकित रहते हैं और 7 यहाँ पे देखो, जिसका मान 7 रहता है वो उदासीन पदार्थ रहता है और 7 से कम का वो अम्लीय रहता है। 7 से कम मान है तो अम्लीय रहेगा और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय रहेगा, क्षारीय। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से फ्यूज तार के लिए सही कथन कौन सा है। तो फ्यूज तार क्या होता है? देखिए, हमारे मीटर में फ्यूज तार लगा रहता है, अगर ज़्यादा करंट जाता है ना, एक लिमिट से भी ज़्यादा, तो वो क्या, तार गल जाता है, जल्दी गल जाता है और जो करंट को जो बहने से रोकता है। अब देखिए क्या है, प्रतिरोध, तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब देखिए, अगर आपके, देखिए घर में जो केबल है ना वो लंबी है ना, तो लंबी दूरी तय करके करंट आता है, तो यहाँ पर डिम मतलब क्या रहता है, लाइट कम आती है। तो क्या है, क्योंकि उसमें बीच बीच में जगह जगह पर प्रतिरोध मिल जाता है, तो इसमें करंट कम बहता है। तो देखिए अब तो ये क्या, एक समीकरण रहता है कि R समानुपाती L अपॉन A होता है। तो लंबाई बढ़ाने पर जो क्या प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये भी सही है, गलनांक कम और प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। देखिए, गलनांक क्या, अगर गलनांक कम रहेगा तो ज़्यादा लाइट अगर आएगी तो वो गल जाएगा, जिससे हमारे जो फ्रिज वगैरह है वो सुरक्षित बचे रहेंगे। और प्रतिरोध ज़्यादा मतलब धारा को क्या है, वो रोकने की क्षमता ज़्यादा रखता है, ठीक है। तो ये भी सही है, प्रतिरोध दाब से स्वतंत्र रहता है। देखिए, करंट को आप दबा नहीं सकते, मतलब दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, यहाँ पे L लंबाई है, ये क्षेत्रफल है और R प्रतिरोध है। तो यहाँ पे देखिए, दाब मतलब प्रेशर यहाँ पे कहीं पे है नहीं, तो यहाँ पे ये दाब से स्वतंत्र रहता है। तो ये इसका आंसर सभी हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट है, विटामिन 12 के लिए सही कथन है। विटामिन B12 क्या होता है? देखिए, इसका सही आंसर क्या है, साइनोकोबालमिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन से कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, तो इसका ये भी सही, सभी आंसर सही है। तो देखो कैसे याद रखोगे, बी मतलब बॉयस, अगर देखिए कोई लड़का 12 में पास हो जाता है तो उसके चारों ओर अच्छे नंबरों से 95-96% बनती है, तो अच्छे नंबरों से चारों ओर चमक जाता है, वो साइन मारने लगता है, तो साइनो कोबालमिन, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और इसमें B12 में क्या, कोबाल्ट पाया जाता है। देखो, कोबाल्ट पाया जाता है। और जो विटामिन रहते हैं ना, उससे कोई एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, उससे क्या है, जो हमारे शरीर में रोग
प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देते हैं। क्या रोगों से लड़ने की क्षमता, ठीक है, विटामिन की वजह से हमारे शरीर में बढ़ जाती है। और विटामिन की खोज किसने की थी, ये फंक ने की थी। किसने? फंक। नेक्स्ट देखिए, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी ट्रॉफी हमारी संबंधित है क्रिकेट से। किससे? ईरानी ट्रॉफी हमारी क्रिकेट से संबंध है। तो देखो किस प्रकार आ सकते हैं ईरानी, जो क्रिकेटर रहते हैं उन वो राजाओं जैसी लाइफ जीते हैं, राजा लाइफ जीते हैं, तो उनकी जो वाइफ रहेगी वो रानी जैसी लाइफ जिएंगे, ठीक है, रानी, ठीक है। तो रानी यहाँ से वर्ड पकड़ा तो क्रिकेट, ठीक है, ये ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है। अब देखिए भारतोलन या वेट लिफ्टिंग में क्या है? वेट लिफ्टिंग क्या होता है, जब भार, देखिए जब इसमें यहाँ पे वेट बढ़ा देते हैं और इस पर इसको फिर उठाया जाता है तो इसको वेट लिफ्टिंग कहते हैं। तो इसमें कौन सी, तो इसमें देखिए भार बढ़ता है, बढ़ता मतलब होता है वर्धमान, ठीक है। इसमें कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? वर्धमान। वर्ध मतलब होता है बढ़ना, बढ़ जाता है यहाँ पे, बढ़ता जैसे भार बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे, तो ये वर्धमान ट्रॉफी दी जाती है इसमें, ठीक है। इसके बाद गल्फ है, गल्फ क्या है मतलब इसमें क्या रहता है, एक बॉल रहती है, बॉल को मारते हैं तो बहुत दूर दूर चली जाती है। तो क्या है, गल्फ जो खेलते हैं ना बहुत अमीर लोग खेलते हैं, राजा लोग खेलते हैं, तो इसमें कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? प्रिंस ट्रॉफी, प्रिंस ट्रॉफी दी जाती है। कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? प्रिंस ट्रॉफी दी जाती है इसमें। इस प्रकार से देखिए, और बॉक्सिंग में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, तो देखिए बॉक्सिंग में वर्ड पकड़ा हमने XING, तो इसको एक्स को मैंने के में बदल दिया, ठीक है, तो ये किंग हो जाएगा। तो बॉक्सिंग में क्या, कौन सी? किंग ट्रॉफी दी जाती है। तो इस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णांतिक परावर्तन की घटना है? देखो परावर्तन, यहाँ पे पहले परावर्तन क्या होता है, देखिए जब भी कोई प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराता है तो उसी दिशा में वो लौट जाता है, इसको परावर्तन कहते हैं। जैसे अपना दर्पण रहता है, दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं तो वो प्रकाश हमारे साइड परावर्तित हो जाता है तो हमारा जो चेहरा है अच्छा दिखाई देता है, चमकीला, ठीक है। इस प्रकार से देखिए परावर्तन की घटना जो रहेंगी उसमें सभी वस्तुएं क्या रहेंगी? चमकीली दिखाई देंगी। तो देखिए देखिए हीरे का चमकना, हीरे का चमकना क्या है, ठीक है, ये परावर्तन की घटना पर निर्भर करता है, पूर्णांतिक परावर्तन की घटना पर। अब देखिए हीरे में जो क्रांतिक कोण, हीरे का क्रांतिक कोण रहता है 24 डिग्री रहता है, इसी के कारण, इसी संरचना के कारण वो क्या है, चमकीला दिखाई देता है। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ लेता है कि हीरे का क्रांतिक कोण कितना है, 24 डिग्री है। अब देखिए तारों का टमटमाना, तारों का टमटमाना ये घटना है अपवर्तन की, ये किसकी घटना है? अपवर्तन की है। अपवर्तन, अपवर्तन में क्या होता है, देखिए अपवर्तन, अपवर्तन में क्या होता है, तारों का टिमटिमाना होता है। अब देखिए जब सूर्य से प्रकाश आता है हमारे पास तो बीच में क्या है, बहुत सारे कण मिलते हैं उसको, तो उसमें क्या है, उससे टकराता है जिससे प्रकाश हमारी आंखों में कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है, तो यहाँ पर टिमटिमाते दिखाई देते हैं, लेकिन तारे क्या टिमटिमाते नहीं है, वो हमें आभास होता है। तो देखिए बर्तन, यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, देखो बर्तन पकड़ा हमने, बर्तन, देखो बर्तन को बजाते हैं तो कैसे बजता है वो, टिमटिम, मतलब जैसे मोदी जी ने बजवाए थे ना कोरोना में बर्तन, तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना किस पे निर्भर करता है? वर्ण विक्षेपण, ये कौन सी घटना, वर्ण विक्षेपण पर निर्भर करता है, ओके। देखिए जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपनी प्रकाश, तो क्या है, वो अपनी सात रंगों में बट जाता है, ठीक है, सात रंगों में, ऊपर रेड लाल रहता है, नीचे बैंगनी रहता है। तो यहाँ पे इंद्रधनुष, देखो जब बरसात होती है तो बरसात के बाद तुरंत बाद जैसे जब सूर्य का प्रकाश बूंदों से टकराता है तो वो अपने कलर में बदल जाता है, तो इंद्रधनुष काय का वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। सूर्य का उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देना, देखिए जो लाल कलर की जो तरंग दैर्ध्य रहती है वो क्या है, बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो क्या है, सूर्य जब उगता और डूबता है ना तब सूर्य हमसे बहुत दूर रहता है, तो प्रकाश जो जिसकी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य रहेगी वो हम तक प्रकाश जल्दी पहुंचेगा, तो यहाँ पे क्या है, लाल सूर्य हमारा लाल दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। अब है नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी फुल फॉर्म सही है? तो फुल फॉर्म देखिए, ठीक है, रोम है रीड ओनली मेमोरी, सही है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी सही है। ALU क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये भी सही है। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी सही है। तो सभी सही है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपना, सभी हो जाएगा। अब देखिए जो CPU रहता है इसको कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है। इसके बाद देखिए रोम को कैसे याद रखोगे? रोम क्या है? एक परमानेंट मेमोरी है, इसमें क्या है, एक बार सेव हो जाए डेटा तो परमानेंट सेव हो जाता है। तो देखिए अब हम क्या है, देखिए
अगर कोई चीज़ हमारे रोम रोम में बसी है तो क्या हम उसको भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। तो इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। रैम क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होती है। लाइट चले जाने पर यहाँ पर डेटा हमारा ठीक है इरेज हो जाता है या मिट जाता है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दल बदल कानून। दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है? देखिए दल बदल कानून हमारा अनुसूची 10 से है। तो देखिए दल से हम इसको बदल देते हैं क्या 10 में बदल दिया। तो इस प्रकार से बदल सकते हैं। देखिए हमारी जो संविधान में मूल अनुसूची वो 8 थी पहले, लेकिन उसको बढ़ा करके कितनी 4 जोड़ दी तो 12 हो गई अब। तो देखिए तो अनुसूची 3 का संबंध किससे है? अनुसूची 3 का संबंध अपना है शपथ से। किससे है? शपथ से है, मतलब शपथ लेते हैं इसमें नेता वगैरह जो। तो देखो शपथ में कितने अक्षर हैं? 3 हैं। तो अनुसूची 3 से हमारा शपथ से संबंधित हो गए। अनुसूची 11, देखिए अनुसूची 11 का संबंध पंचायत से है। पंचायत ग्राम पंचायत से है। तो देखिए पंचायत में मैंने या वर्ड पकड़ा या, तो देखिए इसमें कितनी मात्रा है? 2 है। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर जी इसको ऐसे लिख सकते हैं 11। तो इस प्रकार से 11 पंचायत अनुसूची 11 पंचायत से संबंधित है। अगर 11 में देखिए 1 को जोड़ दूंगा तो 12 हो जाएगा। तो 12 अनुसूची किससे? नगर पालिका से, क्योंकि देखिए पंचायत से बड़ी कौन होती है? नगर पालिका। तो 12 इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में अमेरिका के संविधान से हमने अपने संविधान में कौन कौन से अधिकार लिए? तो अमेरिका देखिए अमेरिका तो हमने उससे लिए मौलिक अधिकार और न्याय की व्यवस्था। देखिए अमेरिका क्या है? एक बहुत पावरफुल देश है। अब देखिए मौलिक अधिकार में हमारे अधिकारों के बारे में है कि हम कहीं पे घूम सकते हैं, मतलब ये हमारे अधिकार हैं। तो देखिए हमारे पास अधिकार रहता मतलब हमारे पास भी पावर रहती है। तो देखिए इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। न्याय की व्यवस्था, न्याय कौन दे सकता है? जिसके पास पावर हो। तो यहाँ पे न्याय की व्यवस्था भी पावर से रिलेटेड है। तो इस प्रकार ध्यान रख सकते हैं। आपातकाल, आपातकाल क्या होता है? मतलब आपातकाल कब लगता है? जब आपात मतलब सब रुक जाता है, जम सा जाता है। तो यहाँ पे आपातकाल का सिद्धांत कहाँ से लिए? जर्मनी से लिए। ठीक है इसके बाद मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य देखिए यहाँ पे ड्यूटी, कर्तव्य मतलब क्या होता है? कोई कहता है कि अगर तुम अपना कर्तव्य ढंग से करोगे ना, अच्छे से करोगे ना, तो बहुत रस आ जाएगा उसमें। ठीक है रस लेके करोगे तो रस से क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए? रूस से। और संसदीय प्रणाली कहाँ से ली हमने? ये ली है ब्रिटेन से ली है, ब्रिटेन। तो देखिए जो सांसद रहते हैं वो पैसे वाले रहते हैं, तो सुबह सुबह जो नाश्ते में क्या ब्रिटेन ये बिस्किट का नाश्ता करते हैं। तो इस प्रकार से आप ब्रिटेन से, ब्रिटानिया से ब्रिटेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से। ठीक है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखिए मैंने कल ही बताया था RBI। ठीक है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। इसके बाद नीति आयोग, देखिए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर आया था। नीति आयोग क्या होता है? थिंक टैंक रहता है। ठीक है ये सरकार को सलाह देता है। इसकी स्थापना ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन रहता है? अध्यक्ष अपने कौन रहते हैं? नीति आयोग के PM रहते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर। निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग देखिए निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1951 को हुई थी। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पे कि जो वोटर ठीक है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है तो यहाँ पे देखिए 25 जन, जन मतलब क्या होता है? जन मतलब होता है लोग। तो 25 लोगों ने वोट डाले। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए प्रति व्यक्ति आय हम ज्ञात करते हैं राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। कितनी आय है उससे अगर जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। मान लीजिए एक परिवार की एक महीने की 20,000 आय है और उस परिवार में 5 सदस्य हैं, तो 5 से भाग दे देंगे तो देखो 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हर एक सदस्य की हर महीना में कितनी आय हो जाएगी? 4,000 आय हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देश की भी निकाल सकते हैं। GDP क्या होता है? देखिए GDP क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद रहता है, ये GDP हो। ठीक है इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं। और NDP क्या होता है? ये होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद। इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है सेल्सियस में? तो देखिए सेल्सियस
तो ताप को हम तीन प्रकार से नापते हैं, एक तो सेल्सियस में, दूसरा फ़ारेनहाइट में और तीसरा है केल्विन में। तो देखिए अभी पूछा है सेल्सियस में, सेल्सियस में अपना 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर इससे ज़्यादा बढ़ता है तो हम बुखार आ जाता है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी पूछ लेता है कि वो फ़ारेनहाइट में बताइए और केल्विन में बताइए, तो देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, सी बटे 5 बराबर होता है एफ माइनस 32 बटे 9 होता है। अगर यहाँ पर देखो सी का मान रख देंगे कितना है, तो 37 बटे 5 बराबर हो जाता है एफ माइनस 32 बटे 9। तो देखिए 9 इधर पहुँच जाएगा, तो 37 इंटू 9 बटे 5 बराबर एफ माइनस 32। तो एफ का मान आ जाएगा, एफ का मान देखो इसमें भाग देखिए ये आ जाएगा 66.6 और एफ 32 ज़्यादा पाएंगे तो प्लस में जुड़ जाएंगे, तो 66 में देखो जिसको हटा देते हैं तो ये हो जाता है फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अगर वो देखिए केल्विन में पूछे तो केल्विन में देखिए एक और समीकरण बनता है 273 प्लस सी, ठीक है। सी का मान कितना होता है 37, अभी यहाँ पर सेल्सियस में कितना 37, 273 में अगर मैं कितना 37 जोड़ दूंगा तो ये यहाँ पर 310 हो जाएगा, ये केल्विन का मान आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। देखिए भूकंप जब आता है ना तो क्या है, देखिए पृथ्वी से लावा निकलने लगता है, इस प्रकार से जब लावा निकलेगा तो आवाज़ तो आएगी, तो आवाज़ आएगी सिस सिस की आवाज़ आएगी, तो सिस्मोग्राफ, इसका सही आंसर भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से नापी जाती है। अब देखिए लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता को मापते हैं कि इसमें कितना शुद्ध है, पानी कितना मिला हुआ है। तो लैक्टो से बर्ड पकड़ा हमने, लैक्टो से हमने लक्स बना लिया, लक्स तो जब साबन लगाते हैं तो बिल्कुल सफ़ेद झाग आ जाता है दूध जैसा, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। बैरोमीटर से क्या है, वायुमंडलीय दाब नापते हैं, क्या वायुमंडलीय दाब नापते हैं, ठीक है दाब। तो देखिए बैरोमीटर क्या रहता है, जब जो बैरोमीटर में जो पारा है उसका एकदम से जब गिरता है ना तो आंधी आती है, आंधी आने की संभावना होती है, आंधी और तूफान, और जब एकदम से चढ़ता है तो बरसात होती है, वर्षा होने की संभावना होती है, और जब धीरे धीरे चढ़ता है तो मौसम साफ हो जाता है, साफ मौसम के संकेत देता है, ठीक है मौसम, ठीक है साफ मौसम संकेत देता है इस प्रकार से। और थर्मामीटर किस, थर्मामीटर का यूज करते हैं अपन ताप को नापने के लिए, ठीक है इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। अब देखिए खारे पानी की झील वो है कैप्सियन सागर। अब देखिए कैप्सियन वर्ड में कैप्सियन में कैसे 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 पिए, कैप्सियन मतलब कैसे पिए, मतलब कैप्सियन मतलब जो खारा है पानी है तो पी नहीं सकते, तो कैसे पिए, कैसे पिए, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैप्सियन है, और भारत की बोले तो वो चिल्का झील है। आप देखिए सुपीरियर झील, विश्व की सबसे मीठे पानी की, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर, सु मतलब होता है, ठीक है सुपीरियर, सुपीरियर मतलब होता है, सु से मतलब होता है साफ, साफ पी से होता है पानी, साफ पानी मतलब ऐसा जो मीठा पानी रहता है वो साफ पानी, मतलब साफ पानी उसको हम पी सकते, पी से पीने योग्य, सुपीरियर मतलब पीने योग्य पानी, ठीक है। तो ये मीठे पानी की, मीठे पानी को हम पी सकते हैं। इसके बाद देखिए टिटका झील, टिटका झील क्या है, टी टी दो टी हैं और एक और तीन, तो टी देखो ऊंचाई बढ़ गई कि नहीं, तो टिटका झील है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ठीक है। इसके बाद है देखिए बैकाल झील, तो बैकाल तो काल वर्ड हमने पकड़ा काल, तो देखिए काल तो जो झील रहती है ना विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है, तो क्योंकि उसमें काल नज़र आ जाता है उसको कि बहुत गहरी है ये, ठीक है इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है दूध, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए दूध में तो दूध में हमें बताइए लैक्टिक, दूध कितना कैसा रहता है, सफ़ेद रहता है, तो यहाँ पे लक्स, लक्स बना लिए यहाँ पे लक्स, ठीक है लक्स में झाग भी सफ़ेद रहता है, तो देखिए लैक्टिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल किस में लाल, ठीक है फॉर्मिक अम्ल लाल चीटी, चीटी में पाया जाता है। इसके बाद टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल अपना अंगूर में पाया जाता है, अंगूर। और साइट्रिक, साइट्रिक मतलब ये
खट्टे फल में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, हृदय की बीमारी किससे पता की जाती है। तो देखिए हृदय मतलब हार्ट अटैक आता है ना, तो उसकी बीमारी मतलब जब चेक करवाते हैं तो उसका हम ECG करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसके में देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से क्या पता चल जाता है, देखिए इसको कैसे याद रखेंगे हम। ई से हो गया, देखिए ई से क्या हो गया, ऐसे। और सी से हो गया, सी का उच्चारण क्या है, कैसे। ठीक है, ऐसे कैसे। अब देखिए जब अटैक आता है तो लोग कैसी बातें करते हैं, ऐसे कैसे हो गया, अभी तो यहीं घूम रहे थे, ऐसे कैसे हो गया। तो ई सी क्या हो गया, ई से, ऐसे कैसे हो गया, अभी तो यहीं घूम रहे थे, तो भाई हार्ट अटैक आ गया तो चले गए। तो इस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए अब ई कब करवाते हैं, EEG कब करवाते हैं, इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राफ। देखिए ये अब जब करवाते हैं जब, ठीक है, माइंड में कोई समस्या हो, क्या हो, माइंड में कोई समस्या हो, दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो, तो ई से हम करेंगे ए पागल हो गया। देखिए जब भी कोई व्यक्ति कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है तो लोग बोलते हैं ए पागल हो गया। अब देखो पागल तो हो ही जाएगा, जब उसके दिमाग में कोई समस्या होगी तो पागल तो हो ही जाएगा। तो EEG कब करवाते हैं, जब दिमाग में कोई समस्या हो। MRI कब करवाते हैं, देखिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में, इसमें क्या करते हैं, जो अपने जो शरीर में जो मतलब जो अपनी इमेज वगैरह लेते हैं कि किस भाग में कोई समस्या है, तो उसमें क्या है, फोटो वगैरह लेते हैं मैग्नेटिक, ठीक है, MRI से। और देखो CT स्कैन से क्या करते हैं, जो CT स्कैन में क्या है, ये सिर्फ बाहरी भाग जो मतलब पतले भाग रहते हैं उनकी जो स्कैन कर सकते हैं ना, वो CT स्कैन द्वारा कर सकते हैं। लेकिन जब माइंड में जब माइंड वगैरह है जो बड़ी मतलब गहराई से फ़ोटो लेना, तो MRI का यूज करते हैं वे लोग, ठीक है, फ़ोटो लेने के लिए, बीमारी का पता करने के लिए। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए और जो मैंने ऑप्शन बताए हैं, तो पूरे टोटल मिला के 60+ क्वेश्चन आपने मैंने ये बताए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके आप नोट्स बना लें और बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।